एक गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरे मकान की दुनिया। एक नया दिन और ठंडी ठंडी धूप, मतलब धूप भी ठंडी होती है यार, ठीक है ना। तो भाई एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। मेरा दिन तो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन एज यूजल बहुत बिजी दिन था तो इसलिए बस कट रही है। तो मैंने सोचा कि मैं छत पर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अरे आवाज़ आपका ये ना नीचे से हम ना बेसुरी थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने सूरज के साथ ही ओपनिंग दो, ठीक है। तो ये मैंने सूरज के साथ ही ओपनिंग दिन तक था। हेलो गाइस, तो अच्छा तो ये सी ना, तो जी आज है जी मेरा फियांसे की बर्थडे, ठीक है। हाँ जी, आज है जी उनकी बर्थडे और मैं जा नहीं सकती यार। मेरे व्लॉग्स ना मिरर रिकॉर्डिंग के बगैर ना अधूरे अधूरे से हैं। तो ऊपर तो वाशरूम, मैंने कहा ना मैं वाशरूम में जाकर रिकॉर्ड करूँ बाकी का, तो इसलिए मैं वाशरूम में आ गई। तो सीन ऐसा है, अच्छा तो सीन ऐसा है कि आज है मेरे फियांसे की बर्थडे, ठीक है। तो जो गिफ्ट वगैरह थे वो आप लोगों ने देखे, मैंने उनके लिए क्या दिए। तो मैं किसी रीज़न की वजह से जा नहीं सकती उनके पास, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप आ जाएं, लेकिन अभी आई थिंक 4 बज रहे हैं, ठीक है, वो नहीं आए। तो अभी उनकी कॉल आई है, तो मैंने ज़रा थोड़ा सा गुस्सा किया, तो ही सेज़ कि अच्छा मैं आता हूँ। तो वो रहते हैं यहाँ से, फैसलाबाद रहते हैं, ठीक है। यहाँ से राउंड है 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते, अगर वो आते हैं तो देखते हैं फिर उनके साथ बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होती है। गिफ्ट्स उनके ठीक है पैक हो गए हैं, गिफ्ट्स मैं आपको उनके दिखाती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या लिया है, ठीक है। और क्या, और उनको कैसे लगेंगे उनका रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगी। और कुछ सोचते हैं यार, पहले लो यार फिर चलते हैं और कुछ करते हैं। फिलहाल मैं धूप में बैठती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि 15-10 मिनट की और धूप है, तो वो धूप से उसके बाद कुछ करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। मैंने यहाँ पे कपड़े स्पिन कर दी थी, तो मुझे ना ये करने में बड़ा मज़ा आता है। किस किस को ये करने में मज़ा आता है, मतलब शाम हो गई या सनसेट की हो गया और मेरे कपड़े अब ड्रायर हो रहे हैं। भाई मेरे को तो ऐसे काम करने में बड़ा मजा आता है। स्टॉप। ओके, सो दीज आर द गिफ्ट जो मैंने अपने फियांसे के लिए सेलेक्ट किए। एक ये पफर, ओके ये पफर है। देन आई हैव दिस परफ्यूम हॉनरेबल, देन कैप क्योंकि उन्हें बैग पे ट्रैवल करना होता है, एंड दिस वॉच। ओके तो ये रही वॉच और इज डन। ये रहा उनका बैग, अब इसको जल्दी जल्दी पैक कर देते हैं, पैक नहीं उसके अंदर डाल देते हैं। ओके सो लेट्स गो। ये लो ये मैंने पहन लिया। हाँ आई नो मस्त लग रही हूँ, लेकिन ना मैंने कहा चलो बाद में भी तो मैं नहीं पहनने, तो ट्राई करके देखते हैं। तो शाइशा भाई साहब ये भी डन हो गया। अब बस उसको जल्दी जल्दी बैग में डालते हैं और रख देते हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। यार ये व्यू चेक करो, सनसेट का व्यू ना अलग ही लेवल का होता है, कमाल है ना। सारा कुछ ऑरेंज रेड मिक्स और कहीं वो चमकता हुआ एक तारा, नाइस। हेलो गाइस, तो अभी तक ठीक है, कोई सीन पार्ट नहीं हुआ। ये देखो मेरी न्यू टोपी, मैंने कहा चलो आपको अपनी न्यू टोपी दिखा दूँ। अच्छा खैर, तो अभी तक कोई सीन ऐसा हुआ, कोई बंदा चंदा नहीं आया मेरा, ठीक है। और केक वगैरह भी कुछ नहीं मंगाया, मैंने कहा मैं मंगा लूँ, वो आए ना। है भाई साहब मेरा हो जाए खर्चा, जी तो ना होने दूंगी मैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। खैर तो कुछ देखेंगे, आते हैं तो कुछ डीप चील ऑर्डर कर देंगे। तो अभी ना मैंने अजलान को भर के दिया बैलून गैस वाला, ठीक है। अब उससे पकड़ के ना मैं उड़ाने लगी हूँ, देखते हैं अजलान क्या रिएक्ट करता है। चलो चलो, अजलान का बैलून, अजलान छोड़ दे इसको। छोड़े तो सही, कहाँ फंसा लिया आपने। बलून को वाजे दे रहा, चलो अपना बाहर छोड़ते हैं इसको। आओ आओ अजलान से, नो अजलान इसको छोड़ दो, इधर आओ इसको छोड़ दे इसको। अच्छा तो ये तो भाई बहुत सख्त ध्यान रखना पड़ना है, तो अब की पढ़ ला चला गया। हां ये को सो रहा है, नाल में डंडा रख दे देखी। हां हां
कहाँ गया बैलून? उड़ गया, उड़ गया। तेरी अम्बासियाँ फिर से बड़ी दौलत उड़ा रही हैं। उड़ गया। कितने का था? अजलान दुखी हो गया, उसका बैलून उड़ गया भाई साहब, मैंने उड़ा दिया। अजलान दुखी है, अपनी मम्मा को बता रहा है। मम्मा सुन लो उसकी। हाँ जी, क्या हुआ, क्या हो गया, उड़ गया? हाँ खाली, हाँ। और इसी के साथ इसकी चूसनी घूम गई है, इसने मेरी टोपी पहन ली है। ये बच्चों की रेसिंग हो रही है फिलहाल। मैं भी चलाऊंगी। कुछ भी। अच्छा फिलहाल मैं लेने जा रही हूँ अपने सर दर्द की गोली, सर दर्द की ना दवाई लेके आते हैं। तो अभी हम जाते हैं डॉक्टर के, दवाई लेके आते हैं। और रजलान हमारे साथ क्यों जा रहा? रजलान हमारे साथ इसलिए जा रहा है इसकी चूसनी लेनी है। तो हम इसके ना मुँह में लगा लगा के देखेंगे कौन सी अच्छी लग रही है। अभी हम चलते हैं, दवाइयाँ शेवाइयाँ लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं बाद। अमना का जूता देख लो, अल्लाह माफ़ी, इतने काले पाँव लग रहे। अच्छा जी, हमना ने जूता पहना ना, ये मेरी दादो का जूता है, मतलब उनके लिए न्यू लेके आए थे, मैं लेके आई थी। तो मतलब जब मैं लेके आई तो उन्होंने मतलब ट्राई करके देखा, तो उसके बाद फिर उनको पहनना नहीं नसीब हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो अब ये हमना ने पहनना, इसको पहनना नसीब हुआ, मतलब ये नहीं मरने वाली। पहले दादी की जूता पहन के हमना जाए। जंप। वहाँ ना सामने एक स्कीम बैठा है, मतलब है एक डिस्पेंसरी है उनकी। तो अब उधर जा रहे हैं, उधर से मेडिसिन लेते हैं, कंपाउंडर ठीक है, तो उधर से मेडिसिन लेते हैं, फिर खाते हैं। ये सैलून है, मैं तो कह रही जलान के बाल ही कटवाते जाते हैं। ओके हियर वी गो। तो यहाँ से मैं मेडिसिन लेके आती हूँ, और जब तक हम ना यहाँ खड़ी होती है। जान परेशान हो गया। कब नहीं आएगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। डर गया? बहुत बहुत डर गए हो आप? इससे नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल, ट्रिमर से कर दें। हालत देखी, नाना अब आके डांटेंगे भाई, ज्यादा ना काट देना। कटिंग करवाना इसको डिफिकल्ट, कुछ हो रहा है? आप तो ऐसे ही नहीं जा रहे हो, इंसान का बच्चा नहीं बनना। ये जो पीछे से बाल बड़े हुए हैं ना, ये भी थोड़े से, ये भी काटने हैं, ये प्रॉपर कटिंग कर देना। काबू आया हुआ है मेरे, प्राम का है, गाड़ी खड़ी हुई है, प्राम मूर का है। चलो जी चलो, मैं कर जाना कर देना वो साइड है ब्रेकी। टोक बनाओ इसका गंजे वाला। हाँ। की तरफ से अजलान इधर देखे, अजलान ने इतना रोना बचाया, अल्लाह माफ कर दे। बस जैसे जैसे कटवा के ना हम ले आए हैं, रोना निकल रहा, हम यहाँ मेडिसिन ले रहे हैं, बस मर्जी अजलान की।
मैं आ गई हूँ जी एटीएम। इतना मेरे पास पैसा है ना, मैं रोज एटीएम आ जाती हूँ। नहीं कैश है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, कैश भी है, लेकिन मुझे एटीएम से कुछ और पैसा चाहिए था क्योंकि जी नवी टेल्थ के वो आ रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें कैश करवाना पड़ेगा। प्लीज एंटर योर सीक्रेट नंबर। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं सारा कुछ उनके लिए खुद करूँ, तो इसलिए हम कैश करवाते हैं ताकि जो वो चाह रहे हैं वो उनको दे सके। ओके लाइक उनको अगर ट्रीट देनी है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए ना ब्रो, तो पैसा आउट करवा लेते हैं। चोर चोर पैकेट, चोर पैकेट, चोर पैसा ही पैसा। मतलब ये स्टॉक चेक कर रहे, ये सारी दवाई मुझे खानी पड़ेगी, मेरी किस्मत में दवाइयाँ ही रह गई हैं। मतलब खैर अभी ये भी खा के देखते हैं, होप फिर अभी इससे मुझे फ़र्क पड़ जाए, तो जल्दी जल्दी इसको खा लेते हैं। सी व्हाट इज अज़लान डूइंग। अज़लान अब हिलो, नाच, मैंने तेरे पैसे दिए हैं। फंस के जाने की इतनी आदत हो गई बच्चे को। आओ नीचे आओ, गाय पकड़ी है एक। इतने गाने किरण देख ले इसके अंदर, हम पता है हम देख रहे हम ना। पीछे पकड़, मैं मुन्नी पकड़ी हुई है। फाइनली ही इज हियर। हैप्पी बर्थडे तो बोला नहीं मैंने। हैप्पी बर्थडे। जनाब टेंशन में, जनाब आप टेंशन में क्यों हैं? परस घुमाया है अपना आते हुए, तो इतनी बुरी किस्मत। पहले मेरे से मिलने आए थे, फोन घुमाए आए थे, अब मिलने आए हैं, पर्स घुमाए आए हैं। मुन्ने रो ना, बर्थडे गिफ्ट है। इन बंदे को अब टेंशन पड़ गई है। बैकग्राउंड इग्नोर करते हुए शेयर करें। इग्नोर करें, ये हमारा लड़की वाला केक है जो हम गहने के लिए लेके आए हैं। बर्थडे केक आ चुका है, पैसे नहीं है। पैसे हैं आपकी मेहरबानी, आप लाइक करें, हमारे पास पैसे आने चाहिए। आप इनकी सब्सक्राइबर बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं इनको। सुने चले चले चले, ये भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पहले लंगट पाटते हुए।